तो नेक्स्ट डिटेल क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि नेक्स्ट बेसिक डिटेल क्या है। वो ये है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारी जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर पेयर्स की फॉर्म में जो अरेंज रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और जनरली आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी की एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल जो क्रोमोसोम्स होंगे पर सेल के अंदर वो कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। ध्यान से देखिएगा, 46 क्रोमोसोम्स, और वो भी कैसे अरेंज रहते हैं? पेयर्स की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। किस फॉर्म में अरेंज रहते हैं? पेयर्स की फॉर्म में वो क्या करते हैं? अरेंज रहते हैं। पेयर्स फॉर्म में क्या रहते हैं? वो अरेंज्ड रहते हैं। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, अरेंज रहते हैं। और ऐसे टोटल पेयर्स कितने होते हैं? 23। दोबारा बता रहा हूं, 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, पेयर्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, और ऐसे टोटल पेयर्स कितने होते हैं? 23 पेयर्स। यहाँ पे क्या बेसिक डिटेल है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। बेसिक डिटेल ये है कि बेटा जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उन 46 क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी के अंदर। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक उनका नाम होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। क्या नाम होता है इनका? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की कैटेगरी है, दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी क्या है उसको बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, और दूसरा जो कैटेगरी है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। ध्यान से देखिएगा, जो मैं टर्म दोबारा यूज कर रहा हूँ, ये जो 46 क्रोमोसोम्स है ना, तो ये क्रोमोसोम की कैटेगरी डिवाइड की गई है कि क्रोमोसोम दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। क्या होता है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और जो दूसरा क्रोमोसोम्स का कैटेगरी उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं पर सेल, ईच सेल। तो वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोमल, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो हमारी बॉडी की एक सेल में 46 अगर क्रोमोसोम हैं तो उसमें से 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेटा, यानी कि जो 22 पेयर्स हैं, कितने पेयर्स हैं? 22 पेयर्स, यानी कि 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑटोसोमल। और जो वन पेयर होता है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? टू क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स हो गए? टू क्रोमोसोम्स। वो क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। दोबारा बोल रहा हूँ, 46 में से 44 जो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो टू क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, दो क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोला और 44 क्रोमोसोम को हम लोगों ने ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्यों बोला। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, 44 क्रोमोसोम्स जो हैं, एक्चुअली इनके ऊपर जो जीन होता है, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है? जीन होता है। सर ये जीन कहाँ से आया? देखो, क्रोमोसोम किससे मिलके बना है? डीएनए से। और डीएनए के ऊपर छोटे छोटे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, उनको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये जो 44 जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं, इन पर जीन कहाँ से आया? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो किससे मिलके बने हैं? डीएनए से। और डीएनए के ऊपर छोटे छोटे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर थे, उन डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और एक एक जीन क्या करता है? हमारे बॉडी के एक एक कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को यही सब बताया था। तो ध्यान से देखिएगा, जो 44 यानी 44 जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है ना, 44 जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है ना, इन क्रोमोसोम का बनावट, यानी कि ये बने किससे? डीएनए से। और डीएनए के ऊपर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जो पार्ट ऑफ डीएनए उसको क्या बोलते हैं? जीन। और वो जीन क्या करते हैं? कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ये जो 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है ना, एक्चुअली इनके जो जीन है वो बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। किसके कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं? बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल। सर बॉडी कैरेक्टर मतलब कि किसी इंसान का हेयर का कलर क्या होगा, उसकी हेयर की लेंथ क्या होगी, उसकी आंखों का कलर क्या होगा, उसका स्किन का कलर क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, वो फेयर होगा या काला होगा या सांवला होगा, लंबा होगा या फिर वो छोटा होगा हाइट के अंदर। ये सब बॉडी कैरेक्टर्स हैं। क्या है? सारे के सारे बॉडी कैरेक्टर्स हैं। ये सारे के सारे बॉडी कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल करते हैं ना जीन, वो सारे जीन जिस क्रोमोसोम पर मिलते हैं, जिस क्रोमोसोम के डीएनए पर मिलते हैं, उन क्रोमोसोम को बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। दोबारा बोल रहा हूं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम 44 होते हैं, और ये वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके डीएनए में, क्योंकि ये क्रोमोसोम किससे बने? डीएनए से। और डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? जीन। तो जिनके डीएनए के जीन
कौन से कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, बॉडी के कैरेक्टर अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं, जो जीन बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं और वो जीन जिस डीएनए का हिस्सा है और वो डीएनए जिस क्रोमोसोम का हिस्सा है उस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। सिंपल सा बोलूंगा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कौन हैंडल करता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम हैंडल करता है। और सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो कि सिर्फ दो होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स दो होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो बॉडी के जेंडर को डिसाइड करते हैं कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी। ध्यान से देखिएगा, बॉडी में या हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम में से 44 तो ऑटोसोमल होंगे जो बॉडी के कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा, कलर ऐसा होगा, बाल ऐसे होंगे, लंबाई ऐसी होगी। और जो उसके पास जो दो क्रोमोसोम बचे हैं वो दो क्रोमोसोम उस बॉडी को, उस बॉडी के जेंडर को डिसाइड करेंगे कि वो जो बॉडी है उसका जेंडर क्या होगा, उसका जेंडर मेल होगा या उसका जेंडर फीमेल होगा। वो जेंडर डिसाइड करते हैं वो दो क्रोमोसोम, इसलिए उन दो क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेक्स क्रोमोसोम के रिगार्डिंग आपको थोड़ी बहुत डिटेल दूंगा। मैं साइड में हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 तो बेसिकली आप लोगों ने देख लिया कि सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। एक सेल के अंदर 44 जो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं और जो दो होते हैं वो कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। आगे की डिटेल क्या है ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने लिख दिया था 46 में से दो टुकड़े कर दिए, 44 जो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं जिनके जीन जो है बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बेसिकली इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो बॉडी है ना उसका जेंडर क्या होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सेक्स क्रोमोसोम एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम। एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम। ध्यान से देखिएगा, अगर बॉडी मेल है ध्यान से देखिएगा तो उसके अंदर जो दो क्रोमोसोम मिलेंगे सेक्स क्रोमोसोम वो कौन से होंगे, एक एक्स और एक वाई। ध्यान से देखिएगा, सेक्स क्रोमोसोम जनरली दो होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जनरली दो होते हैं, या तो एक्स, एक क्रोमोसोम होता है एक्स और दूसरा क्रोमोसोम होता है वाई। ये दोनों क्रोमोसोम एक्स और वाई, ये वाई और एक्स क्या है, नाम है, इनको डिनोट किया गया है, इनको रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है क्या? तो सेक्स क्रोमोसोम दो होते हैं, एक्स होते हैं और एक क्या होता है, वाई होता है। ये इनके नाम है, इनको डिनोट किया गया है। अगर कोई मेल पर्सन है तो उसकी जो सेल है उसके सेल के अंदर जो दो सेक्स क्रोमोसोम होंगे एक्चुअली वो कौन होंगे, एक एक्स होगा और एक क्या होगा, वाई। यानी कि अगर सेक्स क्रोमोसोम का अगर पेयर एक्स वाई का है तो वो पर्सन, वो ह्यूमन बॉडी कौन होगा, मेल जेंडर होगा। कौन सा जेंडर होगा, मेल जेंडर। दूसरी तरफ अगर वो दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स निकल गए, ध्यान से देखिएगा, अगर वो दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स निकल गए, यानी कि कोई ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो दो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों कौन से निकल गए, एक्स और एक्स निकल गए, तो वो उसका जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा, वो फीमेल जेंडर से बिलोंग करेगी। क्लियर है क्या? तो दोबारा मैं बोल रहा हूं, जो दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स और दूसरा होता है वाई, तो अगर किसी ह्यूमन बॉडी के सेल में वो दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स अगर एक्स और एक्स हो गए तो वो फीमेल होगा, और अगर एक एक्स और एक वाई है तो वो मेल होगा। क्लियर है क्या? अब मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूं वो क्या है, अगर ध्यान से देखिएगा, किसी भी सेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम के अलावा दूसरा एक्स क्रोमोसोम आ जाए तो उसको बार बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार बॉडी, BAR, बार, जैसे चॉकलेट आती है ना बार वन, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं, उस बार वन का बार उठा लीजिए, बार बॉडी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दो होते हैं जनरली, तो अगर वो सेक्स क्रोमोसोम अगर एक्स वाई है तो वो मेल होगा, तो उसके पास तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाला क्या है, एक ही है ना। और अगर मान लो कोई फीमेल है तो उस फीमेल जेंडर के सेल को अगर उठाओगे तो उसके पास जो दो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, एक्स और एक्स। यानी कि उसके पास एक्स वाले सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं, दो हैं। कितने हैं, दो हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के पास एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स है और इसके अलावा भी एक और सेक्स क्रोमोसोम जो है एक्स है, तो वो जो दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम है ना उसको बार बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार बॉडी। क्या बोलते हैं, बार बॉडी। तो इस तरीके से हम लोगों को क्लियर हुआ कि अगर मेल है तो उसके अंदर एक्स और वाई होगा, और अगर फीमेल है तो उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स और एक्स। मैं ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, बार बॉडी किसको बोलते हैं, जिसके पास एक से ज्यादा जितने भी एक्स क्रोमोसोम आएंगे,
एक से ज्यादा जितने भी एक्स क्रोमोसोम आएंगे तो वो जितने भी ज्यादा एक्स क्रोमोसोम है ना वो सारे क्या कहलाते हैं, बारबॉडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बारबॉडी। तो हमको समझ में आ गया इसके पास एक्स क्रोमोसोम मेल के पास एक ही है ना, दूसरा दिख रहा है क्या? नहीं है, मतलब इसके पास कोई बारबॉडी नहीं है। अब इसके पास देखो फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है ना, उसको छुपा लो, उसके अलावा एक्स क्रोमोसोम है क्या? हाँ है, एक एक्स क्रोमोसोम है। तो ये एक एक्स क्रोमोसोम क्या कहलाएगी? बारबॉडी कहलाएगी। यानी एक एक्स क्रोमोसोम के अलावा अगर एक और एक्स क्रोमोसोम आ जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आया है उसको बारबॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारबॉडी। जो कि मेल के पास नहीं है, मेल के पास एक ही एक्स है, दूसरा एक्स नहीं है। फीमेल के पास एक एक्स है, एक एक्स के अलावा दूसरा एक्स भी है, तो ये जो दूसरा वाला एक्स है वो क्या कहलाएगा? बारबॉडी कहलाएगा। तो मैंने सारा चीज लिख दिया है कि बारबॉडी क्या होती है। इसी तरीके से मैंने क्लाउड बना के लिख भी दिया है, इसलिए मेल के पास जीरो बारबॉडी होती है यानी एक्स्ट्रा एक्स नहीं होता, और फीमेल के पास एक बारबॉडी होती है, वन बारबॉडी, क्योंकि उसके पास एक एक्स के अलावा एक और एक्स होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी चीज में आपको बताना है, वो शॉर्ट में बताना है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, उसके अंदर साइज के बारे में थोड़ा सा डिटेल देना चाह रहा हूं। एक्स क्रोमोसोम का साइज बड़ा होता है वाई क्रोमोसोम के कंपैरिजन में। एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना एक्स वाला, वो थोड़ा बड़ा होता है किसके साइज के कंपैरिजन में? वाई क्रोमोसोम के साइज के कंपैरिजन में। ये छोटा सा ज्ञान है, ध्यान दे लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं, उसके बाद नए बेसिक टॉपिक की तरफ चलेंगे। 1 2 3। तो नेक्स्ट बेसिक टॉपिक क्या है? अभी तक के जो भी मैंने बेसिक टॉपिक्स आपको समझाए, आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक मैं इतनी देर से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी की हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो जेंडर डिसाइड करते हैं। और जो 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं वो बॉडी के कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं कि बॉडी का कैरेक्टर क्या होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा ला करके बता रहा हूं, एक नई चीज बता रहा हूं, मैं सही सच बता रहा हूं। अभी तक मैंने एनसीईआरटी को छुआ भी नहीं, मैं ये बेसिक चीजें बता रहा हूं। जब तक बच्चे को ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आएंगी, वो रिप्रोडक्शन चैप्टर को ग्रिप नहीं कर पाएगा। और ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक जितने भी मैंने आपको बताया इनको जितनी बार हो सके रिवाइज कीजिए, दिमाग में डालिए, आपका रिप्रोडक्शन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, सारी थीम क्लियर हो जाएगी। इन बेसिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है? नेक्स्ट जो बेसिक थीम है वो ये है कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी की हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ही ट्विस्ट है। ह्यूमन बॉडी की सारी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट 2 सेल्स जो हैं वो एक्सेप्शन है। 2 सेल्स जो हैं वो क्या है? एक्सेप्शन है। अगर मेल्स की बात करूं, किसकी बात करूं? मेल्स की बात करूं, तो मेल्स की पूरी बॉडी की हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, बट एक सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म सेल। क्या बोलते हैं? स्पर्म सेल। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि 46 क्रोमोसोम ही होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं पर सेल इन ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन बॉडी, ध्यान से देखिएगा, इन ह्यूमन बॉडी, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, क्लियर। यानी 46 क्रोमोसोम पर सेल ही होते हैं ह्यूमन बॉडी में, बट आपको एक चीज क्लियर करूंगा, मेल के अंदर बॉडी की हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, बट एक्सेप्शन है एक। क्या है एक्सेप्शन? ये बहुत प्यारा ट्विस्ट है, ये बहुत प्यारा एक्सेप्शन है। मेल के अंदर एक सेल होती है, उसको बोलते हैं स्पर्म सेल। कौन सी सेल होती है? स्पर्म सेल। कौन सी सेल होती है? स्पर्म सेल। ध्यान देखा है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जो किसमें पार्टिसिपेट करती है? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ये जो स्पर्म सेल है, इस स्पर्म सेल के अंदर, ये भी एक सेल ही है बेटा, क्या है? एक सेल ही है, पर इस स्पर्म सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं होते, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम? 23। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। यही लर्न कर लेना, घर के लिए मत रखना, 23 क्रोमोसोम होते हैं। इस 23 का अगर मैं डिवाइडेशन करूं तो बेटा इसके अंदर 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, और जो एक क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। कौन सा क्रोमोसोम होता है? सेक्स क्रोमोसोम। दोबारा बोल रहा हूं, स्पर्म सेल एक्सेप्शन है मेल के अंदर, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, 22 तो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो बॉडी कैरेक्टर को डिजाइन करेंगे, और एक जो क्रोमोसोम होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि
जेंडर को डिसाइड करता है कि वो पर्सन का जेंडर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। और मेल्स के अंदर स्पेशली, ध्यान से देखिएगा, मेल्स के अंदर स्पेशली, अभी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे 22 और 1 ये 23, ये सर समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, अभी इसको और क्लियर करूंगा, सिर्फ अभी इतना सा ध्यान दीजिएगा। मेल के अंदर सारी बॉडी के, हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, बट स्पर्म सेल जो होती है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, जस्ट आधे, 46 के आधे होते हैं, और जिसमें से 22 क्रोमोसोम ऑटोसोमल होते हैं जो बॉडी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और एक जो होता है क्रोमोसोम वो होता है सेक्स क्रोमोसोम जो कि जेंडर को डिसाइड करता है, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, स्पर्म सेल के 2-3 नाम और हैं, वो नाम मैं आपको यहां पे लिख करके बता देता हूं। स्पर्म सेल को हम लोग मेल गैमेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। स्पर्म सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान दीजिएगा। स्पर्म सेल का दूसरा नाम क्या है, मेल गैमेट, क्लियर है क्या। एक और नाम बता देता हूं स्पर्म सेल का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, मेल जर्म सेल, क्या बोलते हैं इसको, मेल जर्म सेल, ये भी किसका नाम है, स्पर्म का नाम है, ध्यान से देखिएगा। मेल जर्म सेल एंड मेल गैमेट स्पर्म सेल के ही नाम है, और इनके अंदर 23 क्रोमोसोम मिलते हैं, 22 ऑटोसोमल, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, आगे इसकी डिटेल दूंगा मैं आप लोगों को, इतना सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब फीमेल्स के अंदर बात कर लेते हैं हम लोग, किसके अंदर बात कर लेते हैं, फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर भी सारी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम ही मिलेंगे, बट इनके अंदर भी क्या है, एक एक्सेप्शन है, इनके अंदर भी क्या है, एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, एग सेल, कौन सा सेल, एग सेल। ये हमारी मेल के अंदर जो मैं बात करूं, जो स्पर्म सेल है, ये हमारी रिप्रोडक्टिव सेल है, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, तो इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसका एक और नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, अचानक वो पढ़ाते पढ़ाते ये याद आ गया इसलिए मैंने लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, फीमेल्स की सारी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, पर उनके अंदर भी एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, एग सेल, क्या होता है, एग सेल। इस एग सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, फीमेल जर्म सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमेल जर्म सेल भी बोलते हैं, फीमेल जर्म सेल भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, जैसे इसको बोलते हैं ना मेल रिप्रोडक्टिव सेल, वैसे इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे इसके चार नाम है 1, 2, 3 एंड 4, वैसे इसके भी चार नाम होते हैं, एग सेल, ठीक है, फीमेल गैमेट, फीमेल जर्म सेल, और FRC यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है ओवा, क्या नाम होता है, ओवा, एग, ओवा, क्लियर है क्या, ओवा, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, ये सारे सेल जो हैं एक ही नाम है, और ये एक्सेप्शन है फीमेल के अंदर। इस एग सेल के अंदर, इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस एग सेल के अंदर भी सिर्फ कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23, सेम एज इट इज स्पर्म सेल के जैसा। 22 तो कौन होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। 22 तो क्या होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, मेल के अंदर सारी सेल्स क्या होती हैं, 46 क्रोमोसोम कैरी करती हैं, पर स्पर्म सेल जो होती हैं 23 कैरी करती हैं, 23 में से 22 ऑटोसोमल होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल के अंदर भी सारी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट एक एग सेल के अंदर एक्सेप्शन है, 23 क्रोमोसोम ही होंगे, जिसमें से 22 ऑटोसोमल होंगे और एक क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा। बहुतों के दिमाग में घंटियां बज रही होगी, ये क्या, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, तो इसका क्या कारण है कि स्पर्म में 23 होते हैं, फीमेल एग के अंदर 23 होते हैं, ये क्या सीन है, ऐसा क्यों है, ऐसा सारा इसका सबका सीन मैं अभी क्लियर करूंगा, सबका रीजन मैं क्लियर करूंगा, मैं साइड में बैठ रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रीजन बताऊंगा कि स्पर्म में 23 और एग में 23 क्यों होते हैं। अभी जितना बताया उसको हजम कीजिए, डाइजेस्ट कीजिए, और बार बार इसका ध्यान दीजिए, मैं साइड में बैठ रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1, 2 बताया कि स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर, एग सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक्सेप्शन होते हैं। अब इस टॉपिक में आपको जो मैं क्लियर करने जा रहा हूं वो ये है कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, जो भी भगवान ने जो भी क्रिएशन करी है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है। वही रीजन मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि स्पर्म सेल के अंदर 23 और एग सेल के अंदर 23 क्यों होते हैं, जबकि बॉडी की हर एक सेल के अंदर, मेल के अंदर जो है 46
होते हैं, एज वेल एज फीमेल की भी बॉडी की हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट उधर एग में 23 होते हैं, इधर जो है स्पर्म में 23 होते हैं। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, बट ये भगवान का बहुत प्यारा क्रिएशन है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, वही रीजन मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। इसी रीजन की वजह से भगवान ने स्पर्म सेल और एग सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स दिए हैं। रीजन ध्यान से देखिएगा, देखिए मैंने यहां पे पहले डायग्राम बना करके रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ध्यान से देखिएगा, मेल्स के अंदर क्या होता है जो नॉर्मल सेल होती है, मेल्स के अंदर क्या होता है जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर जनरली 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, 44 ऑटोसोमल होते हैं, एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जबकि मेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो स्पर्म सेल होती है, स्पर्म सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, वो स्पर्म सेल मेल्स के अंदर दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। मैंने ये दोनों टाइप मैंने आपके सामने बनाए। एक स्पर्म सेल होती है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो वो जो 22 होते हैं वो तो ऑटोसोमल होता है, और एक जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, एक्स। और एक और टाइप का ही स्पर्म सेल मेल के अंदर मिलेगा, कि एक और टाइप का स्पर्म सेल मेल के अंदर मिलेगा, उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे, 22 तो क्या होंगे, ऑटोसोमल, और एक जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो कौन सा होगा, वाई होगा। यानी कि मेल्स के अंदर जो स्पर्म सेल होती है वो दो टाइप की होती है। कौन से टाइप की होती है? दो टाइप की। एक तो होती है जिसमें 22 प्लस एक्स होता है, एक जो होता है उसके अंदर 22 प्लस वाई होता है। जनरली ऑर्डिनरी अगर सेल देखोगे मेल की कोई सी भी, तो उसमें 44 प्लस एक्स वाई होता है। ये तो ऑटोसोमल है और ये दोनों कौन है, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? यानी एक्स और वाई दोनों रहते हैं उसके अंदर, बट मेल की स्पर्म सेल के अंदर जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी वो दो टाइप की होती है। एक होती है जिस दोनों में एक्चुअली 23 क्रोमोसोम होते हैं, ये देखो 22 ऑटोसोमल एक सेक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोमल एक सेक्स क्रोमोसोम, पर ये दोनों स्पर्म सेल डिफरेंट होते हैं, दो टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पर्म सेल के अंदर 22 प्लस एक्स वाला सेक्स क्रोमोसोम होता है, और दूसरी जो स्पर्म सेल होती है वो भी मेल के अंदर ही होती है, उसके अंदर जो होता है 22 प्लस वाई वाला जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स, दो टाइप के जो है स्पर्म सेल्स जो है मेल के अंदर रहते हैं, एक में होता है 22 प्लस एक्स, एक में होता है 22 प्लस वाई। क्लियर है क्या? अब दोबारा ध्यान से देखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। फीमेल के अंदर जो एक्स सेल होती है, फीमेल के अंदर वैसे ही जो नेचुरल सेल होती है नॉर्मल सेल, उसके अंदर 44 प्लस एक्स एक्स होते हैं, ये दोनों एक्स एक्स उसके सेक्स क्रोमोसोम है और 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। बट फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि जो उसकी एक्स सेल है, यानी जो उसका ओवा है, उसके अंदर 23 ही क्रोमोसोम होते हैं, 22 ऑटोसोमल और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब आपको पता है कि जो उसकी नॉर्मल सेल है, उस नॉर्मल सेल में दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, एक ही टाइप का सेक्स क्रोमोसोम है, जो कि कौन है, एक्स। जबकि मेल के अंदर दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और एक वाई। इस वजह से इनके अंदर दो टाइप के स्पर्म मिलते हैं। एक स्पर्म सेल कैसी होती है जिसमें एक्स वाला क्रोमोसोम होता है, एक स्पर्म सेल होती है जिसमें वाई वाला क्रोमोसोम होता है। जबकि फीमेल्स के अंदर अगर आप नेचुरल सेल उठा करके देखोगे तो दोनों टाइप के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स एक्स टाइप के। इसलिए फीमेल्स के अंदर जो एक्स सेल होती है उसकी कैटेगरी भी एक ही होती है। जो फीमेल्स के अंदर एक्स सेल होती है उसका जो पैटर्न होता है, उसका जो टाइप होता है, वो भी एक ही होता है। और वो जो एक्स सेल होती है वो कौन सी होती है, 22 प्लस एक्स। इसकी कोई भी एक्स सेल उठा लो फीमेल की, तो उसके अंदर क्या होगा, 22 तो ऑटोसोमल मिलेंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम मिलेगा, और वो कौन सा होगा, एक्स होगा। कौन सा होगा, एक्स। तो फीमेल के अंदर एक ही टाइप का एक्स सेल मिलेगा, 22 प्लस एक्स वाला। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक ही टाइप का होता है। जबकि मेल्स के अंदर दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इस वजह से मेल के अंदर दो टाइप के स्पर्म सेल मिलते हैं, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। तो आप समझ ही गए होंगे कि दो टाइप के इधर मिलते हैं मेल्स के अंदर और एक टाइप का मिलता है फीमेल्स के अंदर। अब यहां पे जो मेन कारण है वो मैं आपको बता देता हूं कि भगवान ने 23 क्यों दिए, 23 क्यों दिए। क्योंकि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन में इधर से मेल से तो आती है स्पर्म सेल पार्टिसिपेट करने और फीमेल से आती है एक्स सेल पार्टिसिपेट करने। भगवान ने इन दोनों में 23 इसलिए दिए क्योंकि जब ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज होंगी, ये जब दोनों सेल्स आपस में मिलेंगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, आगे मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। तो ये दोनों सेल मिलकर के एक कॉमन सेल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? कॉमन सेल। उस कॉमन सेल को बोलते हैं जायगॉट। क्या बोलते हैं? जायगॉट। जब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों के 23 और 23 क्रोमोसोम मिलकर के क्या बना लेते हैं, 46 क्रोमोसोम। क्या बना लेते हैं? 46। यानी आपको पता है कि ह्यूमन सेल के एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। हमने वापस वही अचीवमेंट ले लिया, एक स्पर्म सेल आया, एक एग सेल आया, दोनों में फ्यूजन हुआ, मिल गए जायगॉट, एक नया सेल बन गया और दोनों के 23 23 क्रोमोसोम आपस में मिल गए, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 46।
इसलिए भगवान ने स्पर्म में 23 और एग में 23 दिए थे ताकि ये दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो दोनों मिलके एक कॉमन सेल बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं जायगॉट। तब दोनों के क्रोमोसोम मिलके कितने क्रोमोसोम हो जाएं? 46 क्रोमोसोम हो जाएं, 46 क्रोमोसोम हो जाएं ताकि वापस ह्यूमन सेल का फिनोमेना चालू हो जाए, क्योंकि ह्यूमन के सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अभी भी देखिए वही हुआ, जो कॉमन सेल बनी जायगॉट उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। यानी ये ह्यूमन सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से ह्यूमन डेवलप होना स्टार्ट होगा, ह्यूमन का एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट होगा। यही रीजन है भगवान ने स्पर्म सेल और एक्सेल में 23 क्रोमोसोम दिए हैं स्पर्म और एक्सेल में, क्योंकि इधर से 23 आएंगे, इधर से 23 आएंगे, मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 46। अगर इधर से 46 आते, इधर से 46 आते, दोनों मिलते तो पता नहीं क्या बन जाता। 46 प्लस 46, वो जो कॉमन सेल है उसके अंदर 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं। 40 प्लस 40 80, N6N6 12, तो 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा टाइप का जानवर बनता, 46 क्रोमोसोम बने, इंसान ही बनेगा। इसलिए भगवान ने दोनों में 23 क्रोमोसोम दिए ताकि दोनों मिलकर के 46 क्रोमोसोम ही बने और ह्यूमन सेल डेवलप हो और फर्दर एम्ब्रियो डेवलप हो, आगे जाकर के बेबी डेवलप हो। इसलिए भगवान ने दोनों में हाफ हाफ क्रोमोसोम दिए ताकि 46 कंबाइन होकर के हो जाए और फर्दर जो है एम्ब्रियो डेवलप हो जाए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बेसिक्स का समझ में आया होगा। फर्दर और भी बेसिक्स के टॉपिक्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम चैप्टर के इनिशिएशन में चलेंगे, चैप्टर को ढंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, बहुत स्मूथली हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, क्योंकि सारे बेसिक्स आप लोगों ने यहां पे समझ लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज आप मेरी एक हेल्प कीजिए, जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसके लिंक को जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं, आइदर वो फेसबुक हो, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो, या कोई सा भी अकाउंट हो, उसमें आप व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप के ग्रुप हो, उस पर शेयर कर सकते हैं, तो शेयर कीजिए ताकि उन जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंचे जो ट्यूशंस को या ट्यूशन की हाई फीसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन तक ये जो है वीडियो पहुंचाइए ताकि वो इसको देख करके फ्री ऑफ कॉस्ट में इस नॉलेज का लाभ उठा सकें और अपने बोर्ड्स में अच्छे स्कोर कर सकें। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। अगर कोई डाउट है तो भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ। और जो भी आपको अच्छा लगता है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ये हमारा मेन प्रॉब्लम वाला टॉपिक है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ डू शेयर, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कोटा क्लासेस को। बड़ी मेहनत लगती है और अगर आप ये सब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, उतनी एनर्जाइज होता है, हमारा बैटरी रिचार्ज होता है और ताकत के साथ और ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।